अरे तुम मतलब लगी हुई हो अपना यूट्यूब बनाने में, काटो काटो काटो, बोलो भाई। अरे ना मेरी फोटो, ये भाई बहुत हो गया। हैप्पी है तुम? नहीं हैप्पी नहीं है। अरे अरे आ सबका आ रहा है, सबका आ रहा है, एक आ जाएगा। अरे सारे फिर क्या करो यार, इधर देख लो एक बार, देखो देख लो सब, वीडियो बन रही है, वीडियो कौन रहेगा? नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले आप सबको बहुत ज्यादा धन्यवाद। मेरा जो लास्ट व्लॉग था कुआं पूजन सेरेमनी से रिलेटेड, जो मैंने 3 दिन का ब्लॉग डाला था, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत पसंद कर रहे हैं आप लोग, तो इसलिए एक बार फिर से आप सबको थैंक यू। उसके अलावा एक और न्यूज़ मुझे आप लोगों से देनी थी, जैसे कि आपने मेरे मकर संक्रांति वाले ब्लॉग में देखा था, जो लॉकडाउन से पहले हमारे यहाँ पर हाउस हेल्प हुआ करती थी, जो आंटी थी। तो क्या है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि पिछले 1 साल से, यानी जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तब से वो हर महीने ही घर पे आती थी, और 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में वो किसी भी दिन आती थी। तो उनको सैलरी वगैरह जो भी है, उनकी ज़रूरत का जो भी सामान होता था, आटा या चावल या जो भी उस टाइम पे, उस समय के हिसाब से जो भी उनकी ज़रूरत का सामान था, कपड़े वगैरह, वो मैं उन्हें देती थी। तो जो मकर संक्रांति वाले दिन वो लास्ट आई थी, उसके बाद से वो फरवरी में भी नहीं आई, उसके अलावा अब मार्च भी ऑलमोस्ट आज हो गई है 21 मार्च, अब भी नहीं आई। तो शुरू में मुझे लगा हो सकता है गांव वगैरह चली गई हो, बट वो यूजुअली इतना लंबे टाइम के लिए गांव जाती नहीं है, क्योंकि उनकी सारी फैमिली, उनकी बहू बेटा पोता पोती सब यहीं पे रहते हैं, उनके स्कूल्स हैं बच्चों के। तो अब मुझे थोड़ी सी ना टेंशन होने लगी है, एक तो उनका मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं है, और ना ही मुझे ये पता उनका घर कहाँ पर है। तो बस यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो बस अब थोड़ा सा अंदर है मन में कि बस भगवान करे वो बिल्कुल ठीक ठाक हो, और जैसे ही वो जब भी आएंगी तो मैं ज़रूर आप लोगों से उन्हें मिलवाऊंगी। और उसके अलावा कल यानी कि 20 मार्च को जो हमारा स्कूल का ग्रुप है, जहाँ से मैंने मतलब स्कूलिंग की थी, तो हम सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो कल हम लोगों ने रखी थी वहाँ पे द्वारका के एक रेस्टोरेंट में एक गेट टुगेदर रखी हुई थी। तो बहुत ज़्यादा देरी तो नहीं, पर छोटी छोटी क्लिपिंग्स मैं बना के लाई हूँ, क्योंकि क्या है कुछ फ्रेंड्स मेरे ऐसे थे जो दिल्ली से बाहर सेटल हो गए हैं, तो आप कह सकते हैं लगभग 25-26 साल के बाद मैं उन लोगों से मिल रही थी। तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट भी था कि मैं बहुत ज़्यादा शूट वहाँ पर नहीं कर पाई, फिर भी जितना कर पाई हूँ वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के थ्रू ज़रूर शेयर कर रही हूँ। उसने मोनिका के फंक्शन में मेरे साथ 10 फोटो कराई, 1 फोटो नहीं ली थी। भेजी नहीं ना, देखा नहीं आई होगी उसको, तूने खींची थी, अच्छी आई, मेरा तो हाथ में रखा था, अच्छी नहीं थी, दूसरी ठीक नहीं आती, कभी कोई मोड़ निकलता नहीं, पर उसने बड़े सारे खींची थी ना, एक थोड़ी एक शॉट में आई होगी, नेचुरल फील तो तभी आती है ना। हम बारिश से रोए भाई, क्या कर रहे हो? हम YouTube पे आ गए, हम भी सेलिब्रेट ही कर रहे हैं। ये देखो, चिली सॉस अच्छा यार, ये पनीर खाना अच्छा, थोड़ा मुश्किल है कोविड की सेकंड डोज लगवानी है। तुम्हारी साइड ही आ रही है, मेरे पास सारी फोटो वीडियो है, इधर देख लो एक बार, देखो देख लो सब, वीडियो बन रही है, वीडियो कौन रहेगा?
असली नहीं चाहिए था मुझे, ये भी दिखाने हैं।갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 안 보면 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 लगभग एक हफ्ता ही बचा है तो उसकी तैयारियां भी बिल्कुल चालू है घर में। और मेन तो यही दो त्योहार होते हैं, एक होली एक दिवाली, जो घर में जम के सफाइयां होती हैं और नए नए सामान घर में आते हैं, नए नए व्यंजन बनते हैं, तो साफ सफाई तो चलती रहती है। वो तो घर ये एक ऐसा रूटीन हो गया है, अब तो लाइफ का एक ऐसा पार्ट हो गया है। कुछ ना कुछ कभी बर्थडे है, कभी एनिवर्सरीज है, कभी
कोई और फेस्टिवल पड़ जाता है, कभी कोई गेस्ट आने होते हैं, लंच पार्टी, डिनर पार्टी, तो ये साफ सफाई जो होती है डीप क्लीनिंग वाली, ये तो चलती ही रहती है। तो थोड़ा सा ये होता है होली पे थोड़ा सा और अच्छे से डेकोरेशन हो जाता है, क्योंकि गेट टुगेदर्स भी होते हैं घर में, गेस्ट आते हैं, रिलेटिव आते हैं, तो और अच्छे से, तो बस वो तो चली रही है। उसके अलावा जो मैंने आप लोगों के साथ हॉल शेयर किया था, उसे भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, थैंक्स सो मच उसके लिए भी। तो वो भी सामान अब मैंने धीरे धीरे लगाया है जहाँ पे, मतलब जिस पर्पज से मैंने खरीदा था, वो भी आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू मैं शेयर करूंगी। कुछ अभी आइटम्स रह गए हैं, और जो मेरा ये लिविंग रूम है इसका मैं मेकओवर प्लान तो कर रही हूँ, बट इतना जल्दी ना सब कुछ पॉसिबल नहीं है कि एकदम से हर साल या हर दूसरे साल एकदम से सारा सामान हम डिस्कार्ड कर दें जो भी डेकोरेशन का, ऐसे नहीं हो पाता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो धीरे धीरे नई चीजें ऐड होती रहती हैं, और जो पुरानी चीजें हैं या तो उन्हें रिपर्पज कर लिया जाता है, या फिर किसी को डोनेट कर दिया जाता है, या फिर उसको शिफ्ट कर दिया जाता है किसी दूसरी घर के किसी दूसरे कोने में। तो अभी प्रोसेस चालू है, देखते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि कुछ चीजें मैंने सेट कर दी हैं, जो जो सामान मैंने खरीदा था, तो एक बार मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये वाला मैंने यहाँ पे ये बिछा दिया है, ये मैंने बताया था आप लोगों को, इसी सोफा मैट्रेस के लिए ही मैंने ये खरीदा था, क्योंकि येलो ना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था मुझे उसके साथ, इस सोफा के साथ, तो ये वाला कलर मैंने ले लिया है, जो कि मेरे जो इस वाले सोफे के साथ बिल्कुल कंट्रास्ट में है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और आप लोगों को पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि इस तरीके से कारपेट में नीचे बिछा के रखती हूँ ये, क्योंकि मैट्रेस सोफ़ा है, इसके पाए वगैरह कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा नीचे से गंदगी ना हो। और उसके अलावा क्या है, जब यहाँ से सफाई होती है, यहाँ से झाड़ू लगती है या पोछा लगता है, तो जो ये कॉर्नर्स हैं वो काले हो जाते हैं। मैं ऐसा मैंने बहुत से घरों में देखा है, जहाँ पे मतलब नीचे का जो भी है सिटिंग प्लान बनाया होता है, लोअर सिटिंग प्लान जो होता है, तो इसीलिए मैं हमेशा इस तरीके से कोई दरी या कारपेट ज़रूर, जो भी लोअर सिटिंग एरिया टाइप है, वहाँ पे ज़रूर बिछा के रखती हूँ। तो ये अभी फ़िलहाल कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और ये तो आप लोगों ने देखा ही था, ये इधर से सेट कर दिया है। उसके अलावा ये जो टेबल रनर है, अभी मैंने ये ना पुराने वाला ही बिछा दिया है, तो मेरे पास था ऑरेंज कलर का, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसे अलग से ख़रीदने की। एक मैंने वैसे अमेज़ोन से मैंने मंगवाया भी था, बट वो उसका जो कलर था और जो स्टाइल था, वो साइज़ भी बहुत बड़ा था, उसके अलावा कलर भी ना थोड़ा अलग हटके था वो, मतलब लिखा तो ऑरेंज हुआ था पर थोड़ा सा अलग हटके आया था, तो इसलिए अभी मैंने ये पुराने वाला ही बिछा दिया है। हालांकि थोड़ा सा गंदा हो रखा है इसमें, एक तो जगह ना जैसे इस तरीके की आपको दिख रहा होगा, ये चिकनाई वाले स्पॉट्स हैं, मैं गर्म पानी से इनको साफ़ भी कर चुकी हूँ, अभी हुए नहीं है, बट ठीक है, अभी काम चल रहा है। और ये ट्रे और ये फ्लावर्स भी मैंने उसी समय मंगाए थे। और उसके अलावा ये नेम प्लेट मैंने यहाँ पर टांग दी है सीढ़ियों पर, तो बहुत अच्छी लग रही है, और मतलब मुझे ना इसका कलर कॉम्बिनेशन वाकई में बहुत बहुत प्यारा लगा था। साथ में ये मैंने शॉपिंग की है, एक तो ये मैंने लिया है जूट रोप, ये मैं बनाने की सोच रही हूँ कुछ DIY, तो जो भी होगा वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये इस तरीके से दो मैंने ख़रीदे हैं, बाकी तो सब ये इस तरीके का सामान है, बच्चों का नाश्ता है, और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया फैमिली लंच होता है जैसे होली के आसपास, तो उस समय पर हम लोग इस तरीके से तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी हैं, क्योंकि अभी आगे आगे ना मार्केट में भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल तो मैंने अभी ऑनलाइन मंगाया है, बाकी कुछ सामान मैं जो है राशन का है वो खुद ही जा कर के लेके आई हूँ, कुछ अभी बचा है। और बस इस तरीके से ये नमकीन भुजिया वगैरह है, मिल्क ब्रेड है, कोई लड्डू वगैरह बनाने की मैं सोच रही हूँ, उसके अलावा गुजिया भी मैं बनाऊँगी, उसके अलावा ये फलूदा, तो बस ऐसे ही जो भी सामान होता है। ये मैं आइसक्रीम जमाऊँगी घर में ही ना, कुल्फ़ी बनाऊँगी, और उसके बाद ये वाला फलूदा रेडीमेड आता है और बहुत टेस्टी लगता है, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैंने ये दो पैकेट मंगाए हैं रोज़ फ्लेवर में। तो बाकी इसी तरीके से रैंडम सामान है, टमाटो सॉस ख़त्म हो गया था, केचप वो मंगाया है, उसके अलावा इमली की चटनी तो मैं खैर बनाऊँगी घर में, मैंने अब ये एक बॉटल पहली बार मंगाया है इस तरीके से, इमली का रेडीमेड सॉस भी मंगा के देखा है, वीबा का है। तो बस इसी तरीके से रैंडम सामान है, बच्चों के चॉकलेट्स वगैरह हैं, जैसे छोटे बच्चे घर में आएंगे तो बस इस तरीके का सामान है।
तो उसके अलावा जो भी बनेगा ज़रूर कोशिश रहेगी कि होली पे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। उसके अलावा देखिए ये क्या मैंने बाजार लगाया हुआ है पूरा, एक्चुअली अभी स्टोर रूम से उठा के लाई हूँ। ये हैं कार्टन्स, ये काफ़ी टाइम से मैंने जोड़ने लग रही थी, कार्डबोर्ड है पुराना, डब्बे वगैरह हैं जो भी आते हैं डिस्पोजेबल्स होते हैं, तो उनको मैं अब इकट्ठा करके रख रही थी और कुछ प्लान कर रही हूँ मेरे माइंड में है, तो वो ज़रूर अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं रख रही थी, मुझे लगा होली के बाद बनाऊँगी, बट अब लग रहा है होली से पहले बन जाए तो अच्छा रहेगा। और बस अब जो भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अभी ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती मैं, कुछ है माइंड में चल रहा है दिमाग में, तो जो भी है वो मतलब कोशिश करते रहना चाहिए इंसान को। तो बस मेरी आदत यही है कि जब एक बार मन में ठान लेती हूँ कोई चीज़ बनानी है, वैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कह सकते एक DIY पर्सन नहीं हूँ, और बस छोटी छोटी चीज़ों का शौक है, पर ये है ना सीखने की इच्छा रहती है, जैसे यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह देख के या फिर गूगल करती हूँ, तो कुछ अच्छे अच्छे चैनल्स को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वहाँ से आइडियाज़ लेती हूँ, तो फिर वहाँ से मेरी कोशिश रहती है कि कुछ क्रिएटिव मैं ऐसा बनाऊँ, तो जो भी होगा ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहीं पे मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। उसके अलावा अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नए और क्रिएटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।